तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी योनो का यूजर आईडी कुछ इस तरीके से ब्लॉक हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है योर यूजर आईडी इज ब्लॉकेज, प्लीज विजिट ऑनलाइन sbi.com। तो अगर इस तरीके से आपका भी योनो का यूजर आईडी ब्लॉक हो चुका है तो इसको अनब्लॉक कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा। सारे कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल में करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा भी यहाँ योनो का SBI का जो यूजर आईडी है वो ब्लॉक हो चुका है, तो मैं आपको लाइव यहाँ पे जो अनब्लॉक करने की प्रोसेस है इसको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बार अपनी लाइव योनो ऐप को ओपन करके चेक करा देता हूँ कि जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक है या फिर नहीं है। तो इसके लिए अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट है, क्योंकि जब मेरा ब्लॉक हो चुके थे तो इसको स्क्रीनशॉट में लेकर रखा था। तो इसके बाद मैं यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद अपनी लाइव योनो ऐप को ओपन करके और इसको लॉगिन करके एक बार आपको चेक कराता हूँ कि जो मेरा योनो का यूजर आईडी है वो ब्लॉक है या फिर नहीं है। इसके बाद मैं आपको लाइव इसको अनब्लॉक करने की जो भी प्रोसेस है मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी योनो को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एग्जिटिंग SBI कस्टमर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अपनी मैं सिम को सिलेक्ट करूँगा, तो मेरा सिम 1 है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइमर चलता है, तो आपको यहाँ से इस टाइमर को ख़त्म होने तक थोड़ा सा वेट करना है। इसके अंदर ही आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ से वेट करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है और इसके बाद मैं यहाँ से अपनी यूजर नेम और पासवर्ड को एक बार डालता हूँ और आपको चेक करता हूँ कि जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक है या फिर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से अपनी यूजर नेम और अपनी पासवर्ड को डालता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे 2-3 बार गलत पासवर्ड अपनी यूजर आईडी डालते हो तभी आपका ब्लॉक होता है। तो हमने यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल दिया है। इसके बाद मैं नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, तो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे बता रहा है कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएंगे, उस OTP को आपको डालना है। लेकिन मेरा यूजर आईडी जो है ब्लॉक है तो नहीं OTP आएंगे। इसके लिए मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक करूँगा तो आपको क्लियर दिखने को मिल जाएगा कि जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक है या फिर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से अपनी रिसेंट OTP पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि लिख रहा है योर यूजर आईडी इज ब्लॉकेज, प्लीज़ विजिट ऑनलाइन sbi.com। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक है। मैं अभी आपको लाइव एक बार चेक करा दिया कि जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो मेरा यूजर आईडी है ब्लॉक हो चुका है। तो अब चलिए मैं यहाँ से बैक होता हूँ और आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है onlinesbi.com। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ onlinesbi.com। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है और इसको सर्च कर लेना है। अब जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको कॉर्नर में ऊपर 3 लाइन्स दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसको लैपटॉप में करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइट को यहाँ पे इनेबल करना है। इसको जैसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है आपको दिखने को मिलेंगे। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे क्लियर दिखने को नहीं मिल रहा होगा। अब हम अपने मोबाइल को यहाँ पे रोटेट करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी यहाँ पे यूजर आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या करने होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल को रोटेट कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लियर अच्छे से दिखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू लॉगिन पे। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे लॉक एंड अनलॉक यूजर का एक ऑप्शन दिखेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा सिंपल रेड कलर में, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा।
अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम लोग का जो यूजर आईडी है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसको अनब्लॉक करने के लिए देखिए नीचे आपको अनब्लॉक यूजर एक्सेस लिखा है, इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे यूजर नेम्स डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पे अपनी यूजर नेम डालना है, जो आपकी यूजर नेम ब्लॉक हुए उसी यूजर नेम को आपको डालना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट नंबर डालना है। और इसके नीचे आपको यहाँ पे एंटर द टेक्स्ट एज शो इन द इमेज, मतलब कि आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना है। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको डालकर भी दिखाता हूँ, मेरा भी यूजर नेम यहाँ पे जो है ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसको मैं आपको लाइव ही करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ से अपनी यूजर नेम, अकाउंट नंबर और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको डालकर और आपको आगे की प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी यूजर नेम डाल दिया हूँ एंड इसके नीचे अपनी अकाउंट नंबर डाला हूँ। और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे डाल देना है एंड इसके बाद अब आपको नीचे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर फ्रेंड्स इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो लिख रहे हैं अनब्लॉक इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहे यूजर अकाउंट इज अनलॉकेड। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा टाइम वेट करना है एंड इसके बाद आप वापस से जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो यूजर आईडी है वो आसानी से लॉगिन हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको 1 से 2 घंटे वेट करने एंड इसके बाद फिर से आपको वापस से लॉगिन करने। अभी अगर आप तुरंत के तुरंत लॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान रखने है कि 1 से 2 घंटे बाद ही आपको वापस से जाकर लॉगिन करने है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी यूजर आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।